और बता दें आपको इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की है ईडी की तरफ से की गई है। हेमंत सोरेन की जमानत को चुनौती दिया है ईडी ने, तो झारखंड हाईकोर्ट से मिली है जमानत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में अपील और हेमंत सोरेन की जमानत को चुनौती दिया है ईडी ने, तो झारखंड हाईकोर्ट से मिली थी हेमंत सोरेन को जमानत। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता सुशील पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, देखिए ईडी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? जी देखिए, साफ तौर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो जमीन घोटाले के मामले में उन्हें हाल ही में हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, उस पूरे मामले को लेकर अब ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि ईडी ने अपनी याचिका में ये कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश को तत्काल रद्द किया जाए। ईडी ने कहा है कि हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां हैं इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन को लेकर वो पक्षपातपूर्ण है और इसलिए जो टिप्पणी की गई हाईकोर्ट की वो सही नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया में हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और इसी पूरे प्रकरण को लेकर अब ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। देखना बेहद अहम होगा कि जिस तरफ हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है और उसके बाद अब ईडी ने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। जी बिल्कुल सुनील, और देखिए आज ही हेमंत सोरेन ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। लेकिन अब क्योंकि ईडी की तरफ से एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, दायर की गई है ये याचिका कि अब कार्रवाई की जाए, ईडी ने दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है? फिलहाल हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिली है, हाईकोर्ट ने तमाम तथ्यों को देखा है, परखा है और उस आधार पर जमानत उनको दी गई है। लेकिन ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की है उसमें हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल खड़ा किया है और ये कहा है कि जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन अक्यूज है, तो ऐसे में हाईकोर्ट का ये कह देना कि इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया में हेमंत सोरेन के खिलाफ मामला नहीं बनता, वो जांच को कहीं ना कहीं भटका सकता है और इसीलिए ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो राजनीति का भूचाल जरूर आएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि इस पूरे मामले में लंबे समय से हेमंत सोरेन ने कहा है कि केवल राजनीतिक उठापटक की वजह से इस पूरे मामले को खींचा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।